रहा हमारा होटल जहाँ पे रात को हम स्टे किए थे, इस मांगला गेस्ट हाउस। और ये हमारी बाइक पार्किंग है, और ये रहा होटल, तो आप देख सकते हो। डिनिंग हॉल, और ये रहा गार्डन। और आप देख सकते हो यहाँ से व्यू यहाँ का। मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाता हूँ, सो आप लोग देख सकते हो यहाँ होटल का व्यू। अब मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। मैंने चाबी कहाँ रख दी। हमारा रूम नंबर 206। ये रहा हमारा रूम। यहाँ पे रात को हमने स्टे किया था, और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो बाहर का व्यू, जहाँ पे काफी ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे आपको हिल दिखेंगे, जहाँ से आप रूम से देख सकते हो। और उसके बाद गाइस, ये हमारा लगेज जो हमने सारा पैक कर लिया, अब यहाँ से हम चेकआउट करेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे ऑयल क्यों निकाल के रखा है, क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पे ऑयल चेंज कराना है। और ये रहा हमारा एनर्जी ड्रिंक। और उसके बाद गाइस, ये हमारा लगेज जो हमने सारा पैक कर लिया, अब यहाँ से हम चेकआउट करेंगे। सो मिलते हैं आपसे, से अब चेकआउट करते हैं और निकलते हैं नुब्रा के लिए फटाफट। क्योंकि आज बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, तो हालत हो गई है खराब। चलो फटाफट चलते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का डिनिंग हॉल रिसेप्शन। सो देख सकते हो आप अंदर। और हम फटाफट अपना ग्लव्स रख लेते हैं। हो गया भैया। और ये भैया होटल ओनर, भैया का नाम। और भैया कुछ बताना चाहेंगे आप? थोड़ा पनोर भी व्यू बहुत अच्छा है इधर ऊपर जो। हाँ तो गाइस, आप लोग देख सकते हो हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, और भैया खुद होटल ओनर हमारी खुद इतनी हेल्प कर रहे हैं। ये देखो जोर शोर से तैयारी चल रही है, और इतनी कड़ी मेहनत के बाद हमारा लगेज। गाइस अभी हम निकल चुके हैं होटल से। हमारा जो बड़ा वाला बैग था ना, कल पांग से आते टाइम मैंने उसे टाइट सा नहीं बांधा था, इस वजह से मतलब बैग फिसल के बाइक के डिक्स में जाके फंस गया, और उसकी वजह से पूरा जल गया बैग। और जलने की वजह से काफ़ी सारा सामान गिर गया, और मैंने बाद में देखा कुछ देर बाद, मुझे ऐसा लगा शायद कुछ मतलब बैग नीचे हो गया। मैंने जब रुक के देखा तो बैग पूरा फट चुका था, मतलब बोले तो
डिक्स में जाके घिस के फट चुका था, उसकी वजह से फिर कल मेरे को वो भैया लोग मेरी काफ़ी हेल्प किए। उसके बाद ले जैसे तैसे आ गए, फिर मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, शायद था तो मैं शाम को भी करा सकता बट टाइम नहीं था, फिर थोड़ा सा काम यहाँ करवाना पड़ गया। ऐसे काफ़ी टाइम हो गया और मैं बहुत थक चुका था, तो और सुबह मेरी लेट से नींद भी खुली, तो मैंने सोचा चलो यार रेडी हो जाता हूँ फिर उसके बाद काम करवाऊँगा अपना। और आज मंगलवार है तो मेरे को पूजा करना तो बहुत मतलब करता तो मैं डेली हूँ, लेकिन अलग पे हनुमान जी की पूजा करनी थी, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, अपन ने सब कुछ कर लिया। और अपन आ गए मार्केट, और आज मार्केट इसलिए आज मार्केट बंद है, आज शायद कोई फेस्टिवल है 6 जुलाई, मतलब लद्दाख के उनके गुरुजी का आज बर्थडे है, तो आज सब उनका बर्थडे बना रहे हैं, तो इस वजह से सारी दुकानें बंद शायद, कुछ दुकानें खुली हैं। और काफ़ी अच्छा मार्केट है गाइस यार ले का, मतलब बोले तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का मार्केट और यहाँ के लोग। और यहाँ पे कल हमने डिनर किया था, हाँ भाई हालत ख़राब हो गई, पार कर दिया बाइक, आप चलते हैं पास बनवा लेते हैं और फटाफट निकलते हैं। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, और ये रहा ले का मार्केट, देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, दिल्ली का करोल बाग ले का ये मार्केट, छोटे छोटे बच्चे क्यूट क्यूट से। वो पास बनवाना था, मैं भी नया हूँ यहाँ पे, इनसे पूछता हूँ, एक्सक्यूज़ मी, वो पास बनवाना था ऑनलाइन, पास बनवाना था ये नुब्रा के लिए, हाँ किसी ने मेरे को बताया मस्जिद के सामने में, हाँ ऑनलाइन नहीं पता, आप यहाँ के नहीं हो, सॉरी। ब्रो ट्रैवल एजेंसी एडवेंचर, हाँ गाइस